अब जिस टॉपिक की डिस्कशन हम करने लगे हैं वो है कस्टमर सर्विसेज इन रिटेल रिटेल के अंदर कस्टमर सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं yeah. कस्टमर सर्विसेज रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ एक्चुअली विच आर आइडेंटिफाइबल समटाइम्स दे आर इनटेंजबल एक्टिविटीज़ समटाइम्स दे आर टेंजिबल एक्टिविटीज़ सो ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ़ दिज एक्टिविटीज़ एक्चुअली दे क्रिएट अ टाइप ऑफ वैल्यू फॉर द कस्टमर सो कस्टमर सर्विसज रिटेल के अंदर इसलिए भी इम्पॉटेंट हैं कि कस्टमर एक्चुअली कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए एक रिटेल स्टोर के साथ कस्टमर का एक रिलेशन एक लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए रिटेल स्टोर के साथ ये दे आर द मस्ट अब कस्टमर सर्विसज में कौन कौन सी बातें शामिल हो सकती हैं कस्टमर सर्विसज़ के अंदर वेन यू एंटर इन टू अ रिटेल स्टोर बेशक ग्रीटिंग्स से लेकर टिल एट दी एंड चेकआउट के ऊपर शॉपिंग बैग से रिलेटेड कोई बात इसके अलावा अगर कोई आपको कस्टमर अटेंड करने के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है सो दे आर ऑल काइंड ऑफ कस्टमर सर्विसेज जो कि एक रिटेल सेक्टर के अंदर नॉर्मली इन्वॉल्व होती हैं अच्छा कस्टमर सर्विसेज का पैरामीटर चेंज होगा अगर ऑनलाइन रिटेल की बात करेंगे और अगर फिज़िकल स्टोर की बात करेंगे तो उस केस के अंदर डिफरेंट कस्टमर सर्विसेज़ हैं सो so, कुछ कस्टमर सर्विसेज़ ऐसी हैं जो कि हम डिस्कशन करेंगे डिटेल से जब एलिमेंट्स की बात करेंगे कि कौन सी ऐसी हैं जो कि कस्टमर एक्सपेक्ट करता है और कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि नॉर्मली ऑगमेंटेड सर्विसेज कहलाती हैं सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को मजीद बेहतर तरीके से समझने के लिए आपके सामने मेक माई ट्रिप डॉट कॉम की एक एग्जाम्पल मौजूद है अच्छा इस एग्ज़ाम्पल के अंदर नॉर्मली इफ़ यू विल सी के वट दे डू दिस 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 रिटेल कंपनी कि ये कस्टमर को एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ट्रैवल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कम्प्लीट अक्रॉस द ग्लोब रादर देन एक टिकटिंग फैसिलिटी या होटल फैसिलिटी या इसके अलावा कोई और फैसिलिटी दे प्रोवाइड कम्प्लीट सोल्यूशन विच इज़ कॉल्ड अ कम्प्लीट कस्टमर सर्विसेज टू द कस्टमर आसान जुबान के अंदर अगर हम लोकल एक्साम्पल की कोई बात करें तो हज की सर्विसिज़ एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कस्टमर सर्विसेज के आ, के पैरामीटर को के एग्ज़ाम्पल को अंडरस्टैंड करने के लिए और समझने के लिए जिस तरीके से जब अगर आप या कोई भी आपका दोस्त या कोई रिलेटिव हज के लिए एप्लीकेशन देता है तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी फाइलिंग फॉर्म बेशक वो फॉर्म को फिल करने के हवाले से है रिक्वायरमेंट्स के हवाले से है हज की ट्रेनिंग के हवाले से है प्री हज डिस्कशंस हैं प्री हज मीटिंग्स हैं उसकी ट्रेनिंग्स हैं फिर उसके बाद पूरा हज का कंडक्शन है होटल की बुकिंग्स हैं रिजर्वेशंस हैं ट्रेवलिंग है फ्राम मक्का टू मदीना सो बिच मीस अ कम्प्लीट सॉल्यूशन जब आप किसी कस्टमर को ऑफर करते हैं सो एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ कस्टमर सर्विसज शायद वो रिटेलर जो ये सर्विसज दे रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट हो सिर्फ होटल के साथ या उसका कॉन्ट्रैक्ट हो इन जनरल वो सिर्फ uh, कोई एयरलाइन टिकटिंग सर्विसेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो लेकिन जब हम कंप्लीट कस्टमर सॉल्यूशन की बात करते हैं टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करते हैं टोटल रिटेल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इन तमाम सैनरियों के अंदर हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल देखने में आती है कि जब कस्टमर को आप एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्राम दी फॉर्म स्टार्टिंग फ्राम दी बेसिक इंफॉर्मेशन टिल द एंड जहाँ पर कस्टमर अपना ट्रैवल अपना जर्नी कम्प्लीट करके वापस आ रहा है दैट इज़ वन ऑफ़ द एग्ज़ाम्पल्स आप कस्टमर को एंटरटेन करते हैं कस्टमर को इन्वॉल्व करते हैं सो so, तमाम सेट ऑफ़ एक्टिविटीज़ बेशक वो टेंजिबल नेचर की हो, बेशक वो इनटेंजबल नेचर की हो, वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि कस्टमर को रिटेलर के साथ कनेक्ट करने में सपोर्ट करती हैं या कस्टमर के साथ कनेक्ट को इम्प्रूव करने में कंजंक्शन को इम्प्रूव करने में बेहतर करने में सपोर्ट करती हैं वो तमाम एक्टिविटीज़ कस्टमर सर्विसेज़ एक्टिविटीज़ कहलाती हैं